तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है, तू ही जग मेरा लक, तू ही बेधड़क है, तेरी ही महक है, तू ही तेरा लक है, है, इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है, उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दे नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि आज का विषय क्या है। We often hear people talking about whether someone's glass is half full or half empty. If someone is negative or pessimistic, they will see their glass half empty. They're looking at what they don't have instead of what they do. If someone is positive and optimistic, they would see their glass as being half full. Half of their glass may be empty, but they choose to look at it as half full. It is ultimately only our own thoughts that help us or hurt us. Once our mindset changes, everything on the outside gradually changes along with it. समझ में आया कि आज का सब्जेक्ट क्या? Is there a need to change? Should I change? आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये आपसे कोई सवाल कहे या सलाह दे कि देखो भैया आपको बदलना पड़ेगा, अभी जिस तरह से आप जिंदगी जी रहे हो शायद ठीक नहीं है। डू यू फील दैट आई नीड टू चेंज? ईच वन ऑफ यू, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, व्हाई डू यू फील दैट यू नीड टू चेंज? सर, एज नो वन इज परफेक्ट, तो सर वी नीड टू चेंज इन पॉजिटिव वे सो दैट वी कैन मेक आवर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड एग्जैक्ट वे दैट वी वॉन्ट टू डू। Okay, for the betterment, you need to change. That's what you are saying. Anybody different point of view? Sir, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारे goals बड़े होते जाते हैं, change होते जाते हैं। जब एक इंसान बच्चा होता है तो उसके लिए शायद चलना एक बहुत बड़ा goal होता है, तो वो उस हिसाब से अपने life में बदलाव लाता है, मेहनत करता है। फिर वो बड़ा होता है तो उसके लिए पढ़ाई एक goal होती है, फिर वो उस हिसाब से अपने life में changes लाता है। तो ऐसे ही जिंदगी में बदलाव और अच्छी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें जिंदगी में चेंज लाने होते हैं ताकि हमें सक्सेस मिलती रहे। क्लैप फॉर हिम। व्हाट इज योर नेम? प्रत्युष। प्रत्युष, वेरी गुड थॉट। चेंज इज ए कॉन्स्टेंट एंड नथिंग इज परमानेंट, ये एक जिंदगी की सच्चाई है। और बहुत बार बचपन से यदि आपको कहा जाए, आपके माँ बाप हों, दोस्त हों, कोई पीयर्स हो, वो हर आदमी आपको कहे यार तू तो निकम्मा आदमी है। घर में भी ये सुनने को मिले, बाहर भी सुनने को मिले, छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल का, ये सुनते 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 जब तक 10 12 14 साल का हो जाएगा वो बच्चा या बच्ची, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होंगे, उसके बाद आप अपने आप को अपना आत्मविश्वास खो बैठोगे। दूसरा ये कारण, मैं समझता हूँ कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि आज ये पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करने वाले हैं? किसी ने लक्ष्य रखा है अपना जिंदगी में, लक्ष्य बनाया है जिसने, उनके प्लीज हाथ उठाइए। बहुत कम हाथ उठे भाई। बाकी लोगों का लक्ष्य नहीं पता। व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम? व्हाई आर यू स्टडी? जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना गोल के बिना तो भाई, जो जैसे ढलान में जो बिना पावर के कार चलती है ना, वो किधर भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, कहीं भी करेगी, पावरलेस होती है गाड़ी। आप पावरलेस जिंदगी जिएंगे। तो वापस आते हैं कि जैसे
अगर अपने अंदर इतने लेप लगे रखते हैं बचपन से, और बचपन से क्यों, क्या पता कितने जन्मों के लेप हमने लगाए हुए हैं अपने अंदर, उन लेप की वजह से हमारा सोच का नजरिया बनता है, बना हुआ है। आज अगर हम यहाँ पे 2000 लोग बैठे हैं तो 2000 लोगों के 2000 तरीके सोचने के हैं, उनके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने चिंताएं करने की तरीका है, पर एक चीज कॉमन है सब में, वो क्या, वी ऑल रिएक्ट। डू यू एग्री और नॉट? वी ऑल रिएक्ट टू एवरी सिचुएशन। जरा यहां पे थोड़े से खुजली आ रही है, तुरंत हम करेंगे, हाथ हमारा तुरंत चला जाएगा उसको ऐसे करने का। अगर आप 2 मिनट अगर नहीं रिएक्ट करें, 2 मिनट क्या 30 सेकंड उसको रिएक्ट नहीं करें, वो जो खुजली आई है वो अपने आप चली जाएगी, वो नहीं रहेगी। लेकिन इंसान की आदत बन चुकी है हमारी रिएक्ट करने की। सो अगर एक लाइन में मुझे आपको बताना हो कि व्हाट डू आई नीड टू चेंज, देन आई वुड से चेंज, डोंट स्टॉप रिएक्शन, स्टॉप रिएक्टिंग टू सिचुएशन। जब तक हम रिएक्शन करने की अपनी आदत जो बनी हुई है उसको बदलेंगे नहीं, तब तक हम वो कामयाबी की सीढ़ी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचना कठिन होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ मैं आपको कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों का जो कुछ भी अपने अंदर चल रहा है, अपने अंदर मन में विचार चल रहे हैं, अपने अंदर कुछ भी सोच चल रही है, कुछ भी है, जो कुछ है आपका अपने इस 3.5 हाथ की काया में कहा जाता और सच्चाई है ये। और लेकिन हमारा इंट्रैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाट इज द वे वी इंट्रैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आई विल गिव यू अ हिंट, देयर आर 6 डिफरेंट वेज और 6 touch points where we interact with the rest of the world. Anybody want to make a guess? 6 sense organs, eyes, nose, hand, skin. Nein. Eyes, nose, ears, tongue, mouth, skin, and our mind. Yeah, mind. That is the 6. These are the 6 touch points. Kuch bhi cheez hamara पूरे वर्ल्ड से जो इंट्रैक्शन है, ये 6 दरवाजे हैं उस इंट्रैक्शन के, 7वां कोई दरवाजा नहीं है। बाहर से कोई भी चीज आपके पास आती है तो इन 6 दरवाजों के माध्यम से ही आती है। जो आपके साथ आप सुनना चाहते हैं या सूंघना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, आपके मन की नहीं हुई, जो मेरे मन की नहीं हुई, तो उसको हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। We start creating aversion to that. That's our reaction. किसी ने आपकी तारीफ की, अच्छी बात की, तो भी हम react करते हैं। तो reaction क्या होता है? Yes, और चाहिए। उसके लिए craving शुरू हो जाती है अंदर अपनी। तो ये craving and aversion, दोनों reaction जो हैं जिंदगी में, यही आपके दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर आखिरी, कितना भी नंबर आप लगा लें। जिस दिन हम क्रेविंग और अवर्शन को छोड़ देंगे, उस दिन हमारे जैसा कामयाब व्यक्ति कोई होगा नहीं जिंदगी में, ऐसा मेरा मानना। अब इस बात पे आई एम श्योर यू वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन। कुछ मन में प्रश्न आता है इस बात को सुन के? सर ये ह्यूमन नेचर है, अगर सपोज मुझे किसी ने कुछ कहा, ठीक है 30 सेकंड्स या 1 मिनट के लिए मैंने खुद को होल्ड किया, बट अल्टीमेट ह्यूमन ब्रेन उसकी थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है कि उसने मुझे कुछ कहा या ऐसा कुछ हुआ, तो इसको कैसे स्टॉप करना? मतलब ये तो सब बोलते रिएक्ट नहीं करना, बट कैसे इस चीज़ को स्टॉप करना? मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मुझे ये प्रश्न पूछे। अब हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, जैसे उसी बात पे रहें, अगर कोई बात बुरी सुनी हमने उसकी वजह से मैंने रिएक्ट किया ऐसा हम मानते हैं,
उसी का रिएक्शन है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर आप इसको इसको प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीख पाएंगे। मैं नहीं कहता कि आज मैंने कहा और आपने अगले एक घंटे बाद आप बदल लिया और आप चेंज हो जाएंगे। इस समय मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि अब ये तो हमको मालूम है ना कि हम जिंदा हैं, यहाँ बैठे हैं, तो हमारे अंदर जान है, जिंदगी है, लाइफ है, और लाइफ किसके माध्यम से है, जो हमारे अंदर सांस चलती है उसके माध्यम से है, जो ब्रीदिंग चल रही है उसके माध्यम से है। ये हमारे को सबको दिमाग में समझ में आता है, दिमागी स्तर पर सबको समझ में आता है, लेकिन आप उसको महसूस करते हैं क्या? जरा अभी अगर यहाँ हम 30 सेकंड के लिए अगर प्रयोग करें, मैं आपको बोलूँगा कि आँख बंद करिए, सब रिलैक्स होइए, और मैं जब बोलूँगा आप उस वक़्त मैं ये कहूँगा कि जब सांस आ रही है अंदर उसको ऑब्ज़र्व करिए कि हाँ अंदर सांस आ रही है, और जब सांस बाहर जा रही है तो उसको देखिए हाँ सांस बाहर जा रही है। तो चलिए आँख बंद करके रिलैक्स योर बॉडी कम्प्लीटली। जितनी और सोच हैं दिमाग में, कुछ भी हो रहा होगा, उनको निकाल दीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, वी ऑब्जर्व आवर ब्रीदिंग। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसके बाद दिमाग अगर कहीं चला जाए तो उसको लड़िए मत, उसको वापस ले आइए, फिर सांस पे ध्यान कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए। अब आप ईमानदारी से बताइए कि कितनी बार इस इतने समय में पूरे समय ध्यान रख सके क्या आंख पर, सांस पर? कोई भी नहीं रख सका। कहीं ना कहीं दिमाग जाता रहा ना, ये सच्चाई है। हमको मालूम है कि हमारी सांस चल रही है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं, लेकिन हम उसको अगर ध्यान रखना चाहें तो हमारा ध्यान नहीं टिकता। इतना चेंज अगर कर लेंगे तो उसके बाद रिएक्शन हमारा क्या होगा? जो इसने बात गलत सुनी, कान पे किसी ने गाली दी, जब हम जानना चाहेंगे, जान जाएंगे कि ये रिएक्शन हम अपनी संवेदना को कर रहे हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, देने दीजिए, ये इस समय की सच्चाई है, इस समय का ट्रुथ है कि उस आदमी ने मुझे गाली निकाली और मुझे बुरा लगा। दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस मोमेंट। दैट ब्रिंग्स अस टू द की ऑफ, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग? आर्ट ऑफ लिविंग इज लिव इन द प्रेजेंट। अगर इस पल की सच्चाई को अगर मैं जानता हूँ, इस पल की सच्चाई में रह रहा हूँ, तो मुझे कोई आदमी किसी भी गोल को पूछने में कभी रोक नहीं सकता। क्या अगर हम लोग अपने मन से ये सोचें कि हमारे पास जो जितना भी है, हमारे से जितना जितना हमारे इस्तेमाल में आता है उससे थोड़ा बहुत परसेंटेज इन गरीबों की सेवा में लगे, तो मैं ये कहता हूँ कि घर में बीमारियाँ भी ना आए, घर में खुशहाली रहे, सारा परिवार खुश रहे। मेरा यही कहना कि दो चीज़ें चेंज करिए, रिएक्ट करना बंद करिए, अपने आप को जानिए, और दूसरा प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। उसी में ही जिंदगी का सार है। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ आपके अंदर है, आपके साथ है, और उसी में ही भलाई है, क्योंकि जो कुछ अपने अंदर है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो कुछ है आपका इस 3.5 हाथ की काया में है, सॉल्यूशन बाहर मत ढूंढिए, सॉल्यूशंस आपके अपने अंदर हैं। इसके साथ इस प्रकार की सोच रखने वाले एक व्यक्ति हमारे बीच में हैं,
आइए उनके बारे में थोड़ा जानें। परिवर्तन केवल एक विचार नहीं, ये एक सोच है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। यह देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स। हर साल करीब 35 लाख लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। होटल के लिए 300 रुपए रूम में मिलता तो बीर ले नहीं पाते हैं। ले है एक दो बार लिया फिर यहाँ लेट भी आराम तो पैसा पड़ता नहीं है। यहाँ रह रहे 2-3 दिन हो गए। हाँ जाना है ना, दवा दे देंगे फिर जाएंगे। 82 साल के चिरंजीव लाल गुप्ता इन लोगों के दुख को समझते हैं और इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका कहना है कि एम्स के बाहर पटरी पर रहने को मजबूर ये मरीज और उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता कि वो होटल में जाकर ठहर सके, इसलिए मजबूरन इन्हें इस पटरी को ही अपना घर बनाना पड़ता है। एक दिन मेरे मन में प्रेरणा हुई कि भाई मैं क्या करूं इनकी सेवा के लिए, मैं इन लोगों को शरण दूं और इनकी सेवा करूं। तो मैंने इन लोगों को सुबह मॉर्निंग में चाय नाश्ता देना शुरू कर दिया और ये मैंने निःशुल्क रखा हुआ है। और इनमें जो बेचारे बहुत गरीब हैं जिनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं हैं, उनको मैं दवाई भी उपलब्ध कराता हूं। जो मेरे से बन पाता है इनको मैंने कहा हुआ है जो भी आपका आवश्यकता है और मैं कर सकता हूँ तो मैं इनको करूँगा। यह आपकी मुहिम का ही असर है कि बीते एक साल यहाँ करीब 15,000 जरूरतमंद लोगों को छत मुहैया कराई गई। पहले तो मैं सबसे पहली बार आया तो मैं रूम ढूंढता रहा, रूम मुझे नहीं अच्छे से मिला। मैं 700 रुपये दे रहा था एक रात के लिए। 1 मार्च को अभी वो यानी कि 31 मार्च को वो रैन बसेरा उजाड़ दिया गया, तब से मैं बाबा के यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा है, सुकून मिला। यहाँ रह करके भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अन्यथा हमें फुटपाथ पर सोना पड़ता। चिरंजीव लाल गुप्ता ने अपनी इस कोशिश से उन लोगों के दुख और तकलीफें कम की हैं जो लोग बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद में एम्स आते हैं। उम्र साल गिनती है, जिंदगी हमारे हाल बुनती है। जीतते हैं वही जिनकी सोच बदलाव चुनती है। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने अपने आप को बदला। जैसे हम चेंज की बात कर रहे थे, आपने अपने आप को दूसरे रूप से बदला। आइए, ये कब आपके मन में गुप्ता जी विचार आया? 95 में कुछ फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हुई तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया कि मैं गरीबों की सेवा करूं। मेरे साथ ये मेडिकल इंस्टीट्यूट सफदरजंग हॉस्पिटल के पास मेरा शोरूम था कपड़े का, तो मेरे पास गरीब लोग आते रहते थे, मैं भी जाता रहता था। मेरे को डॉक्टर लोग रिकमेंड करते थे कि भाई कुछ दवाइयाँ या कुछ मजबूरी से कुछ मदद चाहिए तो बाबा सीएल गुप्ता के पास चले जाओ। तो मैं अपने सौभाग्य समझता था कि वो मेरे पास भेजते थे, मैं करता था। ये जो शो है ये घर में बैठे हुए भी हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, ये उस कैमरे में, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि अगर हम लोग अपने मन से ये सोचें कि हमारे पास जो जितना भी है, हमारे से जितना जितना हमारे इस्तेमाल में आता है उससे थोड़ा बहुत परसेंटेज इन गरीबों की सेवा में लगे, तो मैं ये कहता हूँ कि घर में बीमारियाँ भी ना आए, घर में खुशहाली रहे, सारा परिवार खुश रहे। अपने मन से तन से धन से जितना स्पेयर हो हमें उनकी सेवा में लगाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गुप्ता जी का ऐसा मानना है कि अगर आप गरीबों की सेवा करेंगे, ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे तो आपके घर में भी खुशहाली आएगी, आपके घर में भी सुख शांति आएगी, मजबूती आएगी और आपका सब प्रकार से अच्छा होगा।
आज मैं दर्शकों को खास करके बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को, कि आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज इंस्टीट्यूट, मैं एक प्रकार समझता हूँ कि मैं अपने घर में वापस आया हूँ या घर में आया हूँ। जिस समाज से गुप्ता जी भी हैं, आपके अग्रसेन कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के भी सब लोग हैं, हम लोग अग्रवाल हैं, इस समाज के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी से ये प्रेरणाएं हैं कि कुछ भी हो ये समाज अपना ज़रूरत का रख के अलावा कुछ ना कुछ काम सामाजिक, देश के गरीबी के, समाज ने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की फाइनेंशियल मदद की और करते आ रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं उस समाज से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत कृपा आपकी आप आए। तो इस प्रकार से लोग होते हैं जिनको देखकर हमको प्रेरणा मिलती है और इसी से कहते हैं कि अपने ना ही तन मन को, पर अपना जो धन अर्जित किया हुआ है, कोई प्रकार से गलत तरह का धन आ जाए कमाई में तो उसकी भी शुद्धि होती रहती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो एक बार फिर गुप्ता जी के लिए सबसे ज़्यादा ताली बजाएं। कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें मुझे फोर्स किया गया हो कि मुझे अपने ज़मीर के अलावा कुछ करने के लिए कहा गया हो। उसका एक कारण ये भी है सर कि मुझे पता लगा कि मेरी एक इमेज थी पुलिस में, एक थी कि ये एक्टिविस्ट टाइप है, तो नोबडी काइंड ऑफ अप्रोच मी। हमने इस बार ये सोचा कि केवल मैं अपने आप से ही युवाओं को मोटिवेट करने के बजाय, हमारे देश में और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप गुप्ता जी से मिले, इसी प्रकार से और भी दूसरे मोटिवेटिंग लोग बहुत हैं इस देश में, तो उसमें से मैं आपको मिलाता हूँ आज के हमारे मेहमान सुमन जी नालवा। बहुत जगह काम किए एक पुलिस ऑफिसर के नाते, विशेषता इनकी रही कि वुमेन एट्रोसिटी के ऊपर, वुमेन क्राइम्स के ऊपर, और जो बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है उन सब बातों के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं चाहूँगा आपसे उनका रूबरू कराऊँ। ताली बजा कर स्वागत कीजिए सुमन जी। आज आपने सारी बातें सुनी जो आप हमने चर्चा की कि डू वी नीड टू चेंज, इस पर आपका क्या सोचना, आपका क्या मन में आपको ख्याल आ रहा है? बिल्कुल सही आपका विचार था जब आपने कहा कि चेंज है वो कांस्टेंट है, हम बदलते हैं हर पल, एवरी नेचर इज चेंजिंग, वी आर चेंजिंग, सारी पृथ्वी सारी सृष्टि बदल रही है। लेकिन जब हम कहते हैं हमें बदलना है तो उसका है कि एक डायरेक्शनल चेंज हमें चाहिए, ये नहीं कि हम रोज जिए जा रहे हैं, हम ओल्ड हो रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, गोल बदल रहे हैं, एक डायरेक्शनल अप्रोच चाहिए हमें बदलाव के लिए। जब मैं पुलिस में शुरू किया काम करना तो जनरली हम दो व्यक्तियों से ज़्यादा मिलते हैं, एक तो विक्टिम होते हैं जो बहुत ही त्रस्त होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं, आक्रोश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या एकदम डिप्रेशन में होते हैं, और दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो एग्रेसिव, जो क्रिमिनल्स कह लो उनको, जो रिस्पोंडेंट्स हो गए, तो वो एकदम गुस्से में वो भी रहते हैं और उनका एग्रेशन होता है, तो इन बीच में हम कहीं खो जाते हैं, हमारा एक वुडन सा रिस्पॉन्स हो जाता है ओवर अ मैटर ऑफ ईयर्स, फिर हमें वो एक इंसान नहीं, हमें एक वो विक्टिम है ठीक है, और वो रिस्पोंडेंट है ठीक है, तो इससे उभर नहीं पाते। जी बिल्कुल। तो जब मतलब मैंने, इसका मतलब आप उस समय में एक प्रकार से जो आपकी सोच है वो कहीं ठहर जाती है एज ए पुलिस ऑफिसर, हाँ ये विक्टिम है बहुत आते हैं, रोज आते हैं मेरे पास, किस कस का मैं ख्याल करूँ, तो इसलिए वो उनके प्रति आपका जो करुणा जगनी चाहिए वो जगनी बंद हो जाती है। कई बार महिलाएं आती थी बिल्कुल अकेली,
एंड नोबडी इज टू सपोर्ट. फैमिलीज भी कई बार सपोर्ट नहीं करती थी. चिल्ड्रन आते थे जो अब्यूज चिल्ड्रन थे, उनकी आंखों में इतना एक करुणा से होती थी कि अपना दिल ठहर जाता था. मतलब लगता था कि मैं किस संसार में रह रही हूँ. जी तो वो सब देख के लगता था कि मतलब मनुष्य का काम नहीं है, वैसे करते उनके साथ हो रहे हैं. Exactly. ये मन में आता. तो तब मैंने देखा कि उनको एक पॉजिटिव एक उनको शब्द बोल दो, उनके साथ पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो, वही बहुत मैटर करता था. मैंने जब 10 साल मेरी जब नौकरी हुई तब मैंने देखा मुझे बहुत सारी डिजीज़ हो गई. मेरे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता था, मुझे अल्सर्स होते थे. और तब मैंने योगा मेडिटेशन एंड थिंकिंग कि मैं अपना अलार्म लगाती थी हर घंटे का कि व्हाट एम आई थिंकिंग. आई स्टार्टेड पुटिंग एन अलार्म हर घंटे में अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि मैं क्या सोच रही हूँ. एक प्रकार से अपने आप को जगाने के लिए. एग्जैक्टली. ताकि मैं अपनी सोच धीरे धीरे बदल पाऊँ. तो वो हर एक घंटे जब रिमाइंडर आना शुरू हुआ तो मैं अवेयर हुई अपने थॉट्स के लिए. जैसा कि सर आप बोल रहे थे हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स. अभी आप लोगों का बहुत शेल्टर्ड लाइफ रहा है, यू आर इन कॉलेज. जब आप बाहर जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी. कुछ फेलियर्स भी होंगे, कुछ आपकी जो डिज़ायर्ड जॉब्स हैं वो नहीं मिलेंगी कुछ को. तो उसमें हाउ डू यू डील विद योर सेल्फ. उस समय आपको अपने आप के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि सीढ़ी सिर्फ ऊपर ही जाएगी. ये सांप सीढ़ी की तरह है लाइफ. सो समटाइम्स यू विल हैव टू कम डाउन. एब्सोल्युटली, वेरी गुड. और हम तो ये मानते हैं कि देयर इज नो फेलियर अंटिल यू एक्सेप्ट इट. तो आप बताइए आपके क्या प्रश्न हैं उनसे, सुमन जी से. क्या कभी कोई नेगेटिव स्टेप एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है? इट इज अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ. या तो आप उसको टाइड ओवर कर जाओ या आप अपना रास्ता बदल लो. और रास्ता बदल लेना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सोच आपकी है कि ये मेरी चॉइस है. ये नहीं कि मेरे पर थोपा गया, मेरे से गलत हो गया. नहीं, ये मेरी चॉइस थी कि मैं इस हर्डल को क्रॉस नहीं कर रही. ये 8 फुट की दीवार है, मैं नहीं कर रही. और मैं लेफ्ट मुड़ के मैं कोई और रास्ता अपने लिए बना रही हूँ. ये भी एक चॉइस है, इसको नेगेटिव मत सोचिए. अगेन, इट इज योर स्ट्रेंथ. आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाक़ा हुआ कि फोर्स में गवर्नमेंट की जॉब में रहते हुए आपको कुछ ऐसा करने को कहा गया जिसको करने का आपका मन नहीं कर रहा था, फिर भी मजबूरी में करना पड़ा? आई मस्ट टेल यू आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने सब डिवीजन में भी मैं रही, मैं क्राइम वुमेन सेल में रही, एंटी करप्शन में भी रही, लेकिन कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें मुझे फोर्स किया गया हो कि मुझे अपने ज़मीर के अलावा कुछ करने के लिए कहा गया हो. उसका एक कारण ये भी है सर कि मुझे पता लगा कि मेरी एक इमेज थी पुलिस में, एक थी कि ये एक्टिविस्ट टाइप है, तो नोबडी काइंड ऑफ अप्रोच्ड मी. ठीक है उसे. तो पहले से आपने अपने चारों तरफ वो आवरण एक खड़ा कर लिया जिससे कि दूसरा सामने वाला डरने लगे. इसको हम मजाक में नहीं लेना चाहिए. जो अगर हमारे अंदर अगर एक शक्ति एक प्रकार से आत्मविश्वास किसी प्रकार का है और जिस तरह की ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से सरकारी अफसर मिलते हैं, वो कहते हैं सुभाष जी हम भी करना तो नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, चारों तरफ से मजबूरी ऐसी होती है, चारों तरफ से फोर्सेस ऐसी होती हैं, हम भी उसमें बह गए. तो ऐसा वो लोग कहते हैं. लेकिन अच्छी बात आपसे सुमन जी से पता लगी कि अगर यदि आप में अपना आत्मविश्वास हो तो आप गलत चीज़ों को दूर रख सकती हैं. व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग देयर इज फियर, डर क्या होगा कैसे होगा. सो हमें क्या करना चाहिए टू ओवरकम द फियर? ये जो फियर है हम सब में इनबिल्ट है, इट्स इन आर सबकॉन्शियस एंड इट इज सपोज टू प्रोटेक्ट अस. वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें हिंडर करने लगता है. तो इसका बेस्ट वे विच आई हैव यूज इज टू कन्फ्रंट माई फियर्स. मैं सामना करती हूँ जिस चीज़ से मुझे डर लगता है उसका जरूर सामना करती हूँ, चाहे वो मेरे गुस्से वाले बॉस ही क्यों ना हो. सो देन दे विल जस्ट डिसअपीयर, दे विल जस्ट डिसअपीयर लाइक दैट. या वेरी गुड. ये बात है. दूसरा ये है अगर अगर उसका आध्यात्मिक रूप अगर देखें, फियर कब आता है आपको? When you have some expectations from yourself or somebody else, and then आपके दिमाग में आता है कि ये तो नहीं होगा, ये होगा क्या? मैं अगर इस काम के लिए करूँ, मैं जाऊँ कल को रास्ते में मुझे कोई लड़का पकड़ लेगा, छेड़ेगा, कुछ करेगा, मेरे साथ बदतमीजी करेगा, तो
आप आगे की सोचने लगते हैं तो फियर आता है, प्रेजेंट में रहेंगे तो फियर की कोई जगह ही नहीं है। लिव इन, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, और फ्यूचर की बात आप अपने प्लानिंग करिए वहां तक ठीक, लेकिन उसकी कल्पना करके उसकी एक्सपेक्टेशन अपने मन में सोचने लगे और थॉट्स में रोल करने लगे अपने दिमाग को, तो दिमाग में फियर आएगा। और फियर क्या है, ऐसी चीज है बड़ी मल्टीप्लाई करती है, पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई करती है, तो उसका कोई फिर अंत नहीं है। आप एक समय 2-3 मिनट में ऐसा आता है कि जिस बात को फियर कर रहे थे आप कि ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो वाकई आप मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा ही, फियर में इतनी पावर है। चलिए तो अच्छा सुमन जी बताइए, मेरे व्यूअर जो हैं इस कैमरा में आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक तो हमें आज के दौरान में जो चेंज है, जो पहले ऐसे होता था, वो एक्सपोनेंशियल चेंज होने का पोटेंशियल हम सब में है। उसका एक कारण है इंटरनेट, उसका एक कारण है कम्युनिकेशन, जो ई कम्युनिकेशन बढ़ गए हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल टच हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो उनको बनाए रखते हुए वी नीड टू चेंज टू मेक इट अ बेटर सोसाइटी। अपने आप को बेटर करना है और सोसाइटी को भी बेटर करना है। जो भी कॉज आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ यू नो लिसनिंग टू, इट इज़ ऑल्सो वर्थ वर्किंग टूवर्ड्स, तो उसको जरूर करिए। आप कंट्रीब्यूशन करिए सोसाइटी के लिए, एंड अपना जो विचार है उसको सकारात्मक रखिए। बी पॉजिटिव एंड बिकम द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए और आपने समय निकाल कर इन सबसे इंटरेक्शन किया और हमारे दर्शकों के साथ इंटरेक्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। I understood from this session that change is inevitable, but what we have to learn is to respond, not to react. Yes, this very good. To respond, not to react. Very good word. This is what my learning is also from you. अब मैं 3-4 प्रश्न पूछूं, 3-4 लोगों से पूछना चाहूँगा आप में से, जिसमें हमें लगे कि आपने आज की बातों से कुछ सीखा। आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस सेशन दैट चेंज इज इनएविटेबल, बट व्हाट वी हैव टू लर्न इज टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। यस, वेरी गुड। टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट, वेरी गुड वर्ड। दिस इज व्हाट माई लर्निंग इज ऑल्सो फ्रॉम यू। सर आज हमने सीखा कि हम जब भी अपने फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन हमें एक्शन अपने प्रेजेंट मोमेंट में करना चाहिए। हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर की तरफ अग्रसर रहना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दूसरी बात हमने ये सीखी कि फेलियर्स हमारे जीवन में ज़रूर आएंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उनसे अपने पाथ पर रुकना नहीं है, हमें उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। सर तीसरी बात हमने ये भी सीखी कि आज हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले, जैसे मैम का एक्सपीरियंस मिला, आपका एक्सपीरियंस मिला, गुप्ता जी का एक्सपीरियंस मिला, तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हमें मिले कि हमें कैसे अपने अंदर बदलाव लाते हुए हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाने चाहिए। हम चाहे कुछ भी करें, इंजीनियरिंग करें, मैनेजमेंट करें या पुलिस सर्विस में हो, हमें अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ देना चाहिए, उनके लोगों के बेटरमेंट के लिए देना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी एक अच्छी जगह बन सके रहने के लिए। ये सीखा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब आप देना सीखते हैं, देने का जो सुख है वो सुख आपको बहुत बड़ी ताकत देता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जी, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर गर अपनी हिम्मत न हारे। वेरी गुड। और दूसरी बात, जीवन में सेवा, कोई भी आपको जरूरतमंद व्यक्ति दिखे, आगे बढ़ करके उसका हाथ थाम लीजिए, आपको इतनी आशीष मिलेंगी कि उसकी आप जीवन में किसी बात से तुलना नहीं कर सकते। वेरी, थैंक यू। आज के युग की भाषा में कहें तो स्मार्टफोन बने ना कि पुराना ऑर्डिनरी, वो क्या उसको फीचर फोन बोलते हैं, वो वहाँ बने। यही चेंज है, इसके परिभाषा एक ही है। और आगे आगे जितना इस बात को प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ बहुत बहुत आभार। मैं प्रार्थना करूंगा नंद किशोर जी से, प्लीज़ ऊपर आए। मेरे भाई सुभाष जी, पूरी जी के परिवार के सभी, इस यूनिट में आए हुए सभी साथीगण और महाराजा अग्रसेन परिवार के सभी मेरे परिवार के भाई और बहनों, परिवर्तन की जो स्पीड है ये बहुत और तेज होने वाली। पहले चीज़ें 25 साल में बदलती थी, फिर 10 साल में बदलने लग गई, फिर 5 साल में बदलने लगी, और अब तो टेक्नोलॉजी ने कई चीज़ों को 6 महीने में बदल देते हैं। तो हम अपने आप को समाज के उपयोगी घटक बनाकर कि हम भी कोई बोझ ना बने, कम से कम इतना तो आज कर लें, तय कर लें कि हम समाज के ऊपर, इस धरती के ऊपर बोझ नहीं बने, और कुछ हल्कापन अपने अंदर लेके आए। मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा, ये बात आचार्य श्रीराम शर्मा ने कही थी। यदि उसको हम सब अपने अंदर गांठ बांध लेंगे, हम सबको सुधारना चाहते हैं, खुद को सुधारना नहीं चाहते, और जिस दिन हम ये तय कर लेंगे मैं सुधरूंगा तो आपको जग भी सुधरता नज़र आएगा। अपने यदि हमारे आँखों के अंदर दृश्य बदलना हो तो पहले सोच बदल लें, पॉजिटिविटी ले आएँ, और इस देश में पॉजिटिविटी आने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।